हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं पिंपल्स के ऊपर एक्ने। कई लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, अगर वो थोड़ी सी भी डस्ट में जाते हैं तो उन लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, या थोड़ी सी डस्ट भी अगर उनके फेस को लग जाती है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब ऑयली स्किन होने के कारण उनको ज़रा सी डस्ट से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं। तो आज मैं उन लोगों को, और कई बार लोग अपने सर में तेल भी नहीं लगा पाते इस वजह से, क्योंकि वो उनकी स्किन में जाता है तो उसकी वजह से भी उन लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं। डॉक्टर भी कई बार मना करते हैं कई लोगों को, जब उन लोगों को पिंपल्स होते हैं, कि आप लोग ऑयलिंग बहुत कम करिएगा क्योंकि उसकी वजह से आपकी स्किन में इफ़ेक्ट पहुंचता है उस चीज़ का, और उसकी वजह से पिंपल्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो ये मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। आपके किचन में होता है जायफल, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको घिसना है। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, कई लोगों को पता है कि ये बच्चों के भी यूज़ में आता है, जब आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है या उनको बलगम जम जाता है तो वो इसका यूज़ करते हैं, इसको घिस के देते हैं शहद के अंदर मिक्स करके। तो इसको आप बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, बट ये आपके पिंपल्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आप ये देख सकते हो, मैं आपको इसका वीडियो अभी क्रिएट करके देती हूँ। सो गाइस, ये है जायफल, और अब मैं इसमें डालूँगी इसको घिस के। इसके साथ हमें चाहिए होगा चंदन पाउडर, तो इसमें मैं मिक्स करूँगी चंदन पाउडर। पहले मैं इसको घिस लेती हूँ, और इसमें क्या करना है आपको, चंदन पाउडर मिक्स करके अपने पिंपल्स पे लगाना है। तो मैं घिस के इसको बताती हूँ आपको कैसे लगाना है। सो गाइस, ये था जायफल जो मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने घिस लिया है। अभी इसको घिस लिया है, तो ये जो साइड से, इसको आप सिलबट्टे पे भी घिस सकते हैं, मैं उसी पे घिसती हूँ। सिलबट्टे पे आप घिस सकते हैं, ईजीली घिस जाता है। तो ये मैंने इसका पेस्ट निकाल लिया, और चंदन पाउडर मैंने आपको बताया था, ये था चंदन पाउडर। हमें कुछ नहीं करना, मैंने इस कटोरी में चंदन पाउडर ले लिया, मैं आपको दिखाती हूँ मिनट। गाइस, ये रहा चंदन पाउडर, और इसकी क्वांटिटी इतनी बहुत है, अगर आपको एक दो पिंपल्स हैं, ये चंदन पाउडर ये मैंने इसमें डाल लिया है, और इसकी क्वांटिटी इतनी ही बहुत है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही जायफल लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, जायफल को मैं यहाँ पर रख रही हूँ, इसमें मैं चंदन पाउडर मिक्स करूँगी। आप चाहो तो इसमें गुलाब जल डाल सकते हो थोड़ा सा मिक्स करने के लिए, बाकी मैं इसमें वाटर ही डालूँगी थोड़ा, जिससे कि थोड़ा गीला हो जाए। तो मैं इसमें डाल लेती हूँ वाटर, तो ये रहा पानी मैंने इसमें डाल लिया है, थोड़ा थोड़ा फिंगर से ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है, तो पानी बिल्कुल ना के बराबर ही डलेगा, जिससे कि बस थोड़ा गीला गीला हो जाए, क्योंकि हमें मोटा मोटा ही लगाना है, ज़्यादा पतला लगाना नहीं है इसको। तो मैंने अभी ये गीला कर लिया है, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, आपको इसको इतना कर लो कि ये उठ जाए। तो ये थोड़ा गीला हो गया है, अब कुछ नहीं करना, आपको इसको फिंगर पर लेना है, इस टाइप से फिंगर पे लेना है, इसको हमने मिक्स करके और इसको ऐसे उठाना है ताकि आपके फिंगर पे एक मोटी सी परत आ जाए। तो हमने ऐसे उठाया, और जहाँ पे भी आपके एक्ने हो रहा है तो आप वहाँ पे इसको लगा लेते हैं, उसके बिल्कुल ऊपर लगाना है, उसको फैलाना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मोटा लगाना है इसको, जिससे कि वो छुप जाए, और मतलब बिल्कुल उसके ऊपर लगाना है आपको, इधर उधर कहीं नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ पिंपल पे लगाना है। और उसके बाद इसको रब करके हटाना है, और रब भी ऐसे सारे में नहीं करना, सिर्फ इतने एरिए में ही रब करके इसको हटा देना है। फर्स्ट टाइम में ही आपको इतना इफेक्ट दिखेगा, प्लस अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार करोगे तो आपका ये पिम्पल्स गायब हो जाएगा, गारंटी है इस चीज़ की। लेकिन करना यही है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, मतलब कि ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है और तभी भी आपको पिंपल्स होते हैं, तो आपको पानी डालना है, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो भी आप, तब आपको वो डालना है, गुलाब जल आप यूज़ कर लीजिए। गुलाब जल डाल के आप इसको मिक्स करके फिर आप इसको ऐसे लगाइए,
नहीं तो पानी से भी करोगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको इसको ऐसे ही दूसरी जगह भी लगाना है जहाँ पे भी आपके पिंपल्स हैं, मोटा मोटा लगाना है काफ़ी, पिंपल्स के ऊपर ही बस, इधर उधर कहीं नहीं करना, सिर्फ पिंपल्स पे लगाना है। तो जब आप ऐसे लगा लोगे इसको, आपको जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक आपको इसको लगा के रखना है। जैसे ये ड्राई होता है इसको हल्के से रब करके यहीं से हटा देना है और ठंडे पानी से मुंह धो लेना है, ठीक है। यही चीज़ अगर आप अपने रेगुलर रूटीन में ले आओगे, हफ्ते में 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, आपके पिंपल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और कभी आएंगे भी नहीं, गारंटी है इस चीज़ की। तो ये जायफल आप यूज़ करिए और फिर यूज़ करके आप मुझे बताइएगा इसका इफ़ेक्ट कैसा है, ठीक है। तो अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छा आपके लिए लेके आऊँगी। और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ बताइएगा, और इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँगी वो भी आपकी यूज़फुल होगी। और कुछ मैं नया करने वाली हूँ अपनी लाइफ में तो मैं आपको वो दिखाऊँगी। टेक केयर, बाय, टाटा, सी यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको यूज़फुल लगता है तो।